हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 9 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैव टॉप्ड द 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स दैट एसेस स्कूल एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करने वाले परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किया है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब और ऑप्शन सी केरल ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो केरल, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ साथ और 3 राज्य और साथ में एक यूनियन टेरिटरी, तो कुल मिला के 6 स्टेट और एक यूटी ने अटेन किया है बेस्ट रेटिंग ऑफ लेवल 2 इन द मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में। वहीं कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लेवल 1 तक नहीं पहुंच पाया है इस इंडेक्स में। वहीं इस इंडेक्स में वो स्टेट जो लास्ट पोजीशन पे आया है वो है अरुणाचल प्रदेश। और वहीं इस इंडेक्स को यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया था। इन विच स्टेट अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर। किस राज्य में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की? तो किया है ऑप्शन ए गुजरात ने, ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। तो अदानी इंडस्ट्रीज काफी अभी न्यूज में है क्योंकि वो काफी चीजों को खरीद रहा है और इसी के तहत उसने अनाउंस किया है कि देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर को इंस्टॉल किया जाएगा गुजरात में। और गुजरात में कहां? तो गुजरात के मुंद्रा में। वहीं इस विंड टर्बाइन जनरेटर की कुल लंबाई 200 मीटर होगी जो कि दुनिया के टॉलेस्ट स्टैचू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो 182 मीटर्स है। वहीं ये भारत में ये पहला मशीन है जो बिल्ड किया जा रहा है विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम W2E यानी कि विंड टू एनर्जी। और ये जो टेक्नोलॉजी है कहाँ का है? तो ये जर्मनी का है। इन विच स्टेट यूटी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला अस्थाई वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? तो किया ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। और वहीं इस भारत के पहले फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के दल लेक में किया गया और इसका आयोजन एक इनिशिएटिव जिसका नाम है निवेशक दीदी के तहत किया गया। और जो निवेशक दीदी इनिशिएटिव है ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वुमेन। वहीं ये पूरा कैंप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और साथ में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी दोनों ने मिलकर इस कैंप को लगाया और इसका जो मेन फोकस था कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो महिलाओं तक पहुंचाया जा सके। वहीं बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तो ये फाउंड हुआ था 1 सितंबर 2018 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वहीं इसके जो करंट सीईओ है वो है जे वेंकटा रामू। विच स्टेट्स रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ग्राम वंदी वन द नेशनल कॉमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। इस राज्य के सड़क परिवहन निगम ग्राम वंडी ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन में टिप्पणी पुरस्कार जीता। तो जीता ऑप्शन ए केरला ने, ऑप्शन ए केरला। तो केरला रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ग्राम वंदी जीता है अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और ये जीता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जो अवार्ड देता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देता है और किस लिए देता है? टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन ऑल अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। यानी कि जो शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उसको और मजबूत किया जा सके। हु वॉन द शेवेलियर डे ले ऑर्डरे नेशनल ड्यू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। शेवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल ड्यू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट किसने जीता? तो जीती है ऑप्शन डी अरुणा साईराम, ऑप्शन डी अरुणा साईराम। तो फ्रेंच सरकार ने ऑनर किया है भारतीय कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम जी को
विद शेवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हर सिंगिंग टैलेंट और साथ में फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ इंडो फ्रांस रिलेशन। और वहीं इस ऑनर का अनाउंसमेंट लीजे टैलवोट बैर द्वारा किया गया था जो कि फ्रांस की कंसुल जनरल है। वहीं इसके साथ ही अरुणा सायराम जी को वर्ष 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। Who has become the Prime Minister of Israel? इसराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन बी बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन बी बेंजामिन नेतन्याहू। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने इसराइल के 25th इलेक्शन में जो फिलहाल वहां के पीएम थे येर लापिड उनको हरा के वापस से ये इसराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये लिक्विड पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये अब तक दो बार इसराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जहां पहली बार 96 से लेकर 99 तक ये प्रधानमंत्री थे, वहीं दूसरी बार ये 2009 से लेकर 2021 तक थे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। Who has been appointed as the first global brand ambassador of Baijiu's social impact arm, Education for All? Baijiu की सामाजिक प्रभाव शाखा Education for All के पहले वैश्विक brand ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी लियोनेल मेसी को। ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर है उनको Baijiu's ने पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं जो Baijiu's है वो वर्ल्ड्स लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और वहीं इसके साथ जो Baijiu's है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है 2022 का वर्ल्ड कप का जो कि कतर में होने वाला है। जमशेद जे ईरानी हु पास्ड अवे वाज़ द फॉर्मर एमडी ऑफ विच कंपनी। जमशेद जे ईरानी जिनका निधन हो गया किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? तो वो थे ऑप्शन ए टाटा स्टील के। ऑप्शन ए टाटा स्टील। तो फॉर्मर टाटा स्टील एमडी डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जो 86 वर्ष के थे उनका जमशेदपुर में निधन हो गया है और इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था जो कि टाटा स्टील से 43 ईयर से जुड़े हुए थे। टाटा स्टील में इन्होंने काम करना शुरू किया था एज असिस्टेंट और उसके बाद उसके वो एमडी भी बने और वहीं वर्ष 2001 में उन्होंने फिर रिटायरमेंट भी ले लिया था। Who is current Director General of the World Trade Organization? विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमारे ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।